Hello guys, this particular video is regarding current affairs of environment for the last 1 year. तो मैं विजन आई एस का PT 365 को ही डिस्कस करूँगा, और जो इन्वायरमेंट का जो सेक्शन है, साथ में इकोनॉमी का जो सेक्शन है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो सेक्शन है, ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और गवर्नमेंट स्कीम्स का भी एक मैनुअल होगा, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो ये चार मैनुअल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनमें लगभग आप 1.5 दिन दे सकते हैं, 1 से 1.5 दिन, डिपेंडिंग ऑन आपने अभी तक कितना पढ़ लिया है. और बाद बाकी जो चार मैनुअल्स होंगे, कल्चर का, पॉलिटी का, और फिर IR का, और एक सोसाइटी का, तो उसमें आप 5 से 6 घंटे देंगे, देन डैट विल बी मोर देन इनफ. तो ये पहला मैनुअल है जो इन्वायरमेंट का है, इसको मैं डिस्कस करूँगा. इसमें टोटल 6 सेक्शन है. पहला क्लाइमेट चेंज का है, दूसरा पॉल्यूशन का है, और तीसरा बायोडाइवर्सिटी का है, चौथा जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है, और फिर 5वां डिजास्टर मैनेजमेंट का, और 6ठा ज्योग्राफी का है. तो मैं 5 वीडियो में कवर करूंगा. पहले वीडियो में क्लाइमेट चेंज के ऊपर, दूसरे वीडियो में पॉल्यूशन, तीसरे वीडियो में बायोडाइवर्सिटी, चौथे वीडियो में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और 5वें वीडियो में मैं दोनों ही कवर कर लूँगा, डेट इज़ डिजास्टर मैनेजमेंट एंड ज्योग्राफी. क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट और ज्योग्राफी इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जो भी कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसको हम देख लेंगे. तो फर्स्ट कमिंग टू द सेक्शन ऑफ क्लाइमेट चेंज, और ये पर्टिकुलर आपके पास अगर PDF फॉर्मेट में नहीं है तो टेलीग्राम चैनल है, डैट इज़ t.me/upscmaterials, तो आप वहाँ से ले सकते हैं. और इनफैक्ट अगर आपको यहाँ से नहीं मिल रहा है तो मेरा भी एक टेलीग्राम चैनल है, और वो टेलीग्राम चैनल मैंने पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बता रखा था, जिसमें मैंने बताया था स्ट्रेटजी फॉर करंट अफेयर्स फॉर प्रीलिम्स 2020. तो उसमें भी मैंने टेलीग्राम चैनल और मेरा इंस्टाग्राम जो चैनल है तो उसके बारे में मैंने आपको बता रखा था. तो टेलीग्राम चैनल पे भी मैं वो PDF डाल दूंगा, तो डेफिनेटली आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में. तो अब लाइन टू लाइन पढ़ना उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो लगभग ये वीडियो जो क्लाइमेट चेंज पे होगी, करंट अफेयर्स की, ये PT 365 की, ये 40 to 50 मिनट्स की होगी, और आप यही अगर ध्यान से सुनेंगे डैट विल बी मोर देन इनफ. और PT 365 को फॉलो करने का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है कि जो भी कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो बोल्ड लेटर में यहाँ पे अपियर होगा, तो डेफिनेटली आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हैं. तो फर्स्ट इज इमिशन गैप्स रिपोर्ट अंडर द टॉपिक ऑफ क्लाइमेट चेंज. तो सबसे पहले ये जानना है कि ग्लोबल इमिशन गैप रिपोर्ट जो है ये यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा लॉन्च की जाती है. ये भी एक प्रोबेबल सवाल हो सकता है क्योंकि UPSC रिपोर्ट्स रिलेटेड काफ़ी सवाल पूछ रहा है. अब इमिशन गैप रिपोर्ट में इमिशन गैप क्या है कि पेरिस क्लाइमेट डील के तहत वेरियस कंट्रीज अपने INDCs रखे थे कि सच डैट 1.5 डिग्री सेल्सियस या फिर 2 डिग्री सेल्सियस का जो पेरिस एग्रीमेंट के तहत टारगेट था वो अचीव हो जाए. तो करंट रेट पे जो भी कंट्रीज अपने INDCs रखे हैं उससे जितना ग्रीन हाउस गैस इमिशंस होगा, और 1.5 डिग्री और 2 डिग्री सी टारगेट, जो एक्चुअली 2 डिग्री सी जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए जितना ग्रीन हाउस इमिशन गैप होना चाहिए, तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है डैट इज इमिशन गैप. मतलब अभी जिस रेट पे इमिशंस हो रहा है, इफ ऑल द कंट्रीज फॉलो देयर INDCs, तो जितना इमिशन होगा और 2 डिग्री सेल्सियस टारगेट अचीव करने के लिए जितना इमिशन होना चाहिए, उन दोनों के डिफरेंस को कहते हैं इमिशन गैप. तो ये इमिशन गैप रिपोर्ट यूनेप हर साल पब्लिश करता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इमिशन गैप क्या है और इमिशन गैप रिपोर्ट कौन सा ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है. और ये सब डेटा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं होगा प्रीलिम्स के एस्पेक्ट से, लेकिन हाँ, GHG इमिशन जो है वो लगभग 1.5% राइज करता है पर ईयर. और जो चार मोस्ट इंपॉर्टेंट इमिटर्स हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, वो है नंबर 1 चाइना है, नंबर 2 USA, नंबर 3 EU है, नंबर 4 इंडिया है. अमॉन्ग ऑल द कंट्रीज तो इंडिया नंबर 3rd पे आएगा, लेकिन अगर EU को भी कंसिडर करेंगे तो इंडिया नंबर 4th पे आएगा. वर्ल्ड का बिगेस्ट इमिटर चाइना है, यहाँ पे UPSC ट्रैप कर सकता है, वो USA का को बिगेस्ट इमिटर बना सकता है, जो कि गलत होगा. चाइना इज द बिगेस्ट इमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. और फिर ये इंपॉर्टेंट कि इवन इफ All current unconditional commitments under the Paris Agreement are implemented, temperatures are expected to rise by 3.2 degree Celsius. तो target रखा गया है 2 degree Celsius का, और hyper target भी रखा गया है 1.5 degree Celsius का, लेकिन current rate पे अगर emissions होगा तो जो rise in temperature होगा above the pre-industrial levels, that will be 3.2 degree Celsius. तो target रखा गया है 2 degree Celsius का, और even एक hyper target भी रखा गया है कि अगर achieve कर सके तो 1.5 degree Celsius का above the pre-industrial levels. लेकिन अभी करंट रेट पे अगर इमिशंस हो देन द राइज इन टेम्परेचर विल बी 3.2 डिग्री सेल्सियस.
और अभी का अगर डेटा बताऊं मैं कि इंडस्ट्रियल प्री इंडस्ट्रियल लेवल से अभी तक कितना ऑलरेडी टेम्परेचर राइज हो चुका है, डेट इज 1.2 डिग्री सेल्सियस। तो इवन अगर 2 डिग्री सेल्सियस का टारगेट रीच करना है तो अब मैक्सिमम टू मैक्सिमम 0.8 डिग्री सेल्सियस ही राइज हो सकता है प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, तभी हम पेरिस एग्रीमेंट का ये टारगेट को मीट कर सकते हैं। जो टारगेट है 2.2 डिग्री सेल्सियस और 1.5 डिग्री सेल्सियस का, वो पेरिस एग्रीमेंट के तहत हमें अचीव करना है 2100 तक। और इसके अलावा डेफिनेटली इस रिपोर्ट में और कुछ देखने लायक नहीं है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम के बारे में देख लेते हैं। इनका हेडक्वार्टर जो है वो नैरोबी केन्या में अफ्रीका में पड़ता है, और ये 95% ये वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस पे डिपेंड करता है। और फिर एक ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक नाम की भी एक रिपोर्ट आती है, वो भी यूनेप ही पब्लिश करता है। और यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट असेंबली है वो गवर्निंग बॉडी है यूनेप की, और वो हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी भी है। और उसके अलावा अगर देखें तो दो और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है यूनेप से रिलेटेड। और यूनेप से रिलेटेड उसके अलावा अगर बताऊं तो यूनेप क्या है कि इट होस्ट द सेक्रेटेरिएट ऑफ मेनी ऑफ द कन्वेंशंस लाइक सीबीडी, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी, बेसल रोटरडैम और स्टॉकहोम कन्वेंशन। बेसल कन्वेंशन जो है वो हाजार्डस वेस्ट से, रोटरडैम कन्वेंशन हाजार्डस केमिकल से रिलेटेड है, और स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है वो पेस्टिसाइड से रिलेटेड है। इसके अंडर स्टार्टिंग में 12 पेस्टिसाइड इंक्लूड होते थे, उनको डर्टी डोजन्स भी कहते थे। और यहाँ पे पेस्टिसाइड्स को जो टर्म यूज़ किया गया है स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत, दैट इज POPs, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। और उसके अलावा वियना कन्वेंशन जो ओजोन लेयर डिप्लीशन से रिलेटेड है, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो ओजोन लेयर डिप्लीशन से रिलेटेड है, उनका भी सेक्रेटेरिएट यूनेप ही होस्ट करता है। फिर कार्पाथियन कन्वेंशन, कार्पाथियन एक माउंटेन रेंज है यूरोप में, तो वहाँ के एनवायरमेंट से रिलेटेड प्रोटेक्शन से रिलेटेड ये कन्वेंशन है। फिर बमाको कन्वेंशन भी हाजार्डस वेस्ट से रिलेटेड अफ्रीकन कंट्रीज के लिए भी, तो उसका भी सेक्रेटेरिएट यूनेप में ही है। और तेहरान कन्वेंशन है वो कैस्पियन सी के प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, उसका भी सेक्रेटेरिएट यूनेप ही होस्ट करता है। और यूनेप उसके अलावा चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड भी देता है। लास्ट ईयर नरेंद्र मोदी ये अवार्ड जीते थे, तो इसलिए चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड भी न्यूज़ में था। उसके अलावा एक ससाकवा प्राइज है, वो भी यही यूनेप प्रोवाइड करता है। और फिर एक यूनिक इनिशिएटिव है, डैट इज फेथ फॉर द अर्थ इनिशिएटिव, ये भी यूनेप का ही है। तो बस आपको एक बार अंडरलाइन कर लेना, और एक बार कान में आपके चला गया तो डेफिनेटली आपको याद रहेगा कि ये यूनेप से रिलेटेड है। अब यूपीएससी घुस घुस के फेथ फॉर द अर्थ इनिशिएटिव के बारे में नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा भी तो बस आपको अगर इतना पता है कि वो यूनेप से रिलेटेड है, डैट इज मोर देन इनफ। उसके अलावा डिटेल में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। और उसके अलावा यहाँ पे एक और एक इनिशिएटिव है, डैट इज यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट फाइनेंस इनिशिएटिव, और ये स्टार्ट हुआ था 1992 के अर्थ समिट में। और इसके अलावा और डिटेल में देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके अलावा आप इंडिया का INDC टारगेट्स भी देख सकते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वो तीनों जो इंडिया का INDC है, डैट इज़ इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, वो आपको पता होना चाहिए। द फर्स्ट इज़ टू रिड्यूस द इमिशन इंटेंसिटी बाई 33-35% बाई 2030 ऑफ 2005 लेवल। यहाँ GDP नहीं होगा, यहाँ इमिशन इंटेंसिटी होगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है विजन के द्वारा। और उसके अलावा टू अचीव 40% कुमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल, ये 40% अचीव करना है नॉन फॉसिल फ्यूल से, रिन्यूएबल से अचीव करने का यहाँ पे टारगेट नहीं है, नॉन फॉसिल फ्यूल से अचीव करना है। नॉन फॉसिल फ्यूल में हाइड्रो इलेक्ट्रिक भी आता है, इसका मतलब 40% अचीव करना है रिन्यूएबल से प्लस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से। और उसके अलावा कार्बन सिंक बनाने का भी टारगेट है, डेट इज ऑफ 2.5-3 बिलियन टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट बाई 2030। और उसके अलावा WMO एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, डेट इज वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने एक स्टेटमेंट ऑन द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2019 में रिलीज किया था, बस आपको बस ये पता होना चाहिए। और उसके अलावा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देख लेते हैं, जो ग्लोबल मीन टेम्परेचर है वो राइज किया है 1.1 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस, तो कुछ एरिया में 1 डिग्री सेल्सियस है, कुछ एरिया में 1.2 डिग्री सेल्सियस है। तो इंडियन सब कंटिनेंट के आसपास 1.2 डिग्री सेल्सियस राइज किया है अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल। और उसके अलावा जो ग्लोबल एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन है, डैट इज नाउ 407.8 पार्ट्स पर मिलियन, ये प्री इंडस्ट्रियल लेवल के आसपास 300 पार्ट्स पर मिलियन होता था। तो CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ चुका है फ्रॉम 300 पार्ट्स पर मिलियन टू अबाउट 407.8 पार्ट्स पर मिलियन।
उसके अलावा CH4 और N2O का भी कंसेंट्रेशन बढ़ा है, CIs कम हुआ है, सी लेवल राइज हुआ है। और अगर डेटा की मैं बात करूं, क्योंकि आपको मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो प्री इंडस्ट्रियल लेवल से अभी जो एवरेज सी लेवल राइज हुआ है वो 19 सेंटीमीटर का हुआ है अकॉर्डिंग टू IPCC फिफ्थ असेसमेंट रिपोर्ट, और सिक्स असेसमेंट रिपोर्ट भी IPCC के द्वारा आ चुकी है, और ओशन एसिडिफिकेशन भी बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा WMO के द्वारा देख लेते हैं, WMO एक UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और इसमें टोटल 193 मेंबर स्टेट्स हैं। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और एक हाई माउंटेन समिट होती है जो WMO ऑर्गेनाइज करता है, और इसके अलावा एक मोनालो ऑब्जर्वेटरी है। ये ऑब्जर्वेटरी का ही काम है कि CO2 का जो कंसेंट्रेशन है इन्वायरमेंट में उसको मेजर करना, उसी के लिए ये ऑब्जर्वेटरी बनाई गई थी, मोनालोआ ऑब्जर्वेटरी CO2 के कंसेंट्रेशन को मेजर करने के लिए। बस आपको इतना पता होना चाहिए। अब किलिंग कर्व भी CO2 के कंसेंट्रेशन से ही रिलेटेड है, और इतना ही जानना मोर देन इनफ है, UPSC को कोई इंटरेस्ट नहीं होगा इतना घुस घुस के पूछने के लिए। और उसके अलावा देख लेते हैं IPCC के रिपोर्ट्स के बारे में, और IPCC जो ऑर्गेनाइजेशन है ये दो ऑर्गेनाइजेशन ने मिल के बनाया था, वन वाज WMO एंड द सेकेंड वाज UNEP, तो आपको ये पता होना चाहिए 1988 में बना है। IPCC के अपने कोई साइंटिस्ट नहीं है, ये दूसरे साइंटिफिक डिस्कवरीज को पब्लिश करता है, ये खुद रिसर्च कंडक्ट नहीं करता है। और हाल में इन्होंने दो रिपोर्ट निकाली थी, डेट इज अ स्पेशल रिपोर्ट ऑन ओशन एंड क्रायोस्फीयर इन ए चेंजिंग क्लाइमेट, और दूसरी रिपोर्ट थी स्पेशल रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज एंड लैंड। बस आपको ये दोनों पता होना चाहिए कि ये दोनों रिपोर्ट IPCC ने निकाली है, डैट सेट। और उसके बारे में डिटेल में उस रिपोर्ट में क्या है, वो जेनरिक स्टफ ही है कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड क्रायोस्फीयर पे क्या इफेक्ट पड़ा और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड लैंड पे क्या इफेक्ट पड़ा। हल्का हल्का ऊपर से देख लेते हैं, मैं जितना बता रहा हूँ उतना ही कर देंगे, डैट इज मोर देन सफिशेंट, और डिटेल में जाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होता है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ न्यूज़ में क्यों आई। अब ये न्यूज़ में आई तो हाँ, IPCC ने ये दो रिपोर्ट पब्लिश की थी, ये कौन सी दो रिपोर्ट आपको पता होना चाहिए, और साथ में IPCC के बारे में जनरल स्टफ आपको पता होना चाहिए कि ताकि आपका स्टैटिक भी रिवाइज हो जाए। अब उसके वाला पहले रिपोर्ट के बारे में बताया, स्पेशल रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज एंड लैंड। तो अब लैंड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अब लैंड में आ गया एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट आ गया, फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड आ गया। तो क्लाइमेट चेंज से डेफिनेटली फूड सिक्योरिटी पे इंपैक्ट होगा, फ्लड्स के चांसेस बढ़ेंगे, ड्रॉट्स के चांसेस बढ़ेंगे क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो डैट हैज बीन कवर्ड बाय द रिपोर्ट। और एक टर्म होता है नेगेटिव इमिशंस, इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी सब्सटेंस या फिर कोई भी प्रोसेस अगर नेगेटिव इमिशन कर रहा है, डैट मीन्स कि CO2 को वो एनवायरमेंट से एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका मतलब CO2 का कंसेंट्रेशन एनवायरमेंट से कम हो रहा है। अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें, जिसके चलते क्या होता है कि CO2 का कंसेंट्रेशन एनवायरमेंट में कम होता है, तो फोटोसिंथेसिस एज ए प्रोसेस इज लीडिंग टू नेगेटिव इमिशंस नाउ। और दूसरे वाली रिपोर्ट के बारे में देख लेते हैं, डैट इज स्पेशल रिपोर्ट ऑन ओशन एंड क्रायोस्फीयर। और क्रायोस्फीयर जो होता है वो वैसे एरिया को कहते हैं जो आइस से कवर्ड होता है, तो पोलर एरियाज आ गए, हिमालय में जो आइस से कवर्ड है, कुछ परमाफ्रॉस्ट का एरिया आ गया, तो उसमें भी क्या होगा कि डेफिनेटली जो पोलर के आइस है वो मेल्ट ही करेंगे, तो डेफिनेटली डैट हैज बीन कवर्ड बाय द रिपोर्ट। कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं है कि जो आपको डिटेल में कवर करना है, ना ही मेंस के एंगल से इंपॉर्टेंट है कि कुछ आपको ऐसा डेटा मिल रहा है। एक टर्म है आर्टिक एम्प्लीफिकेशन, इसका क्या मतलब होता है कि जैसे ही क्लाइमेट चेंज होता है तो जो पोलर एरियाज में जो आइस है वो मेल्ट करने लगते हैं। अब वो जैसे ही मेल्ट करते हैं तो होता क्या है कि आइस सनरेज को काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं, उनका एल्बिडो काफ़ी ज़्यादा होता है। एल्बिडो का मतलब ये होता है कि व्हाट परसेंट ऑफ सनरेज आर रिफ्लेक्टेड बैक बाय दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। अगर आइस का एल्बिडो ज़्यादा है, इसका मतलब आइस काफ़ी ज़्यादा सनरेज को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है बैक इन टू द एटमोसफेयर। अब जैसे जैसे क्लाइमेट के चलते पोलर आइस पिघलने लगेगा तो होगा क्या कि अब आइस कम है तो अर्थ का एल्बिडो कम हो जाएगा, तो ज़्यादा सनरेज आएंगी, और ज़्यादा सनरेज आएंगी तो ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होगा, जिसके चलते फर्दर और आइस पिघलने लगेगा, एंड दैट विल लीड टू आर्टिक एम्प्लीफिकेशन। और उसके अलावा डेफिनेटली इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में भी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके अलावा IPCC के बारे में देख लेते हैं, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाई UNEP एंड WMO इन 1988, इंडिया इसका मेंबर है, और अभी तक ये 5 असेसमेंट रिपोर्ट को पब्लिश कर चुका है, जो छठी रिपोर्ट आएगी वो 2021-22 में आएगी। तो अब आपको ये पता होना चाहिए IPCC ने ये दो पर्टिकुलर रिपोर्ट को पब्लिश किया जो यहाँ पे न्यूज़ में थी, स्पेशल रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज एंड लैंड एंड स्पेशल रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज विद रिस्पेक्ट टू क्रायोस्फीयर।
और उसके अलावा आईपीसीसी असेसमेंट रिपोर्ट भी पब्लिश करता है, जो 5 असेसमेंट रिपोर्ट अभी तक आ चुकी हैं। तो डेफिनेटली यूपीएससी ये भी पूछ सकता है कि असेसमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है। और जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आईपीसीसी से रिलेटेड कि ये अपनी रिसर्च पब्लिश नहीं करता है, जो इंपॉर्टेंट रिसर्च जो साइंटिस्ट कंडक्ट करते हैं उनको ये पब्लिश करता है। एज ए पब्लिशिंग हाउस इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की काफी ज्यादा क्रेडिबिलिटी है। और अगर आप मेंस में कोई सा भी आंसर लिख रहे हैं, लेट से अगर क्लाइमेट चेंज रिलेटेड सवाल आ जाता है, आप कुछ भी जनरल स्टफ लिखिए और साथ में अगर आप आईपीसीसी की फिफ्थ असेसमेंट रिपोर्ट कोट कर देते हैं कि हाँ आईपीसीसी की फिफ्थ असेसमेंट रिपोर्ट के मुताबिक क्लाइमेट चेंज के चलते ये हो सकता है, तो डेफिनेटली आपके जो आंसर्स में काफी ज्यादा क्रेडिबिलिटी आ जाएगी। तो रिपोर्ट्स का यूज आप मेंस में भी कर सकते हैं, जो प्रीलिम्स में आप जो रिपोर्ट्स पढ़ते हैं जो आप याद करके जाएंगे उनको अगर मेंस में कोट करते हैं तो वहां पे भी आपको नंबर मिलेंगे। तो रिपोर्ट्स आपको याद करना इसलिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है ही और मेंस के भी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके अलावा इस पर्टिकुलर न्यूज पीस में भी ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो चौथा न्यूज पीस है उसको देख लेते हैं, और जो चौथा न्यूज पीस है डैट इज विद रिस्पेक्ट टू ओशन डी ऑक्सीजनेशन। अब ये प्रोसेस को देख लेते हैं कि ओशन डी ऑक्सीजनेशन क्या है, क्योंकि इससे पहले जो भी थी वो रिपोर्ट से रिलेटेड था कि इमिशन गैप रिपोर्ट हुई, यूनेप का है, इमिशन गैप क्या होता है, यूनेप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने देख लिया, फिर यूनेप और कौन सी रिपोर्ट्स पब्लिश करता है यूनेप के बारे में देख लिया, उसके अलावा आईपीसीसी कौन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करता है उसके बारे में देख लिया, और फिर एक डब्ल्यूएमओ की एक रिपोर्ट आई थी, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी लेकिन हाँ प्री के एंगल से इंपॉर्टेंट है कि इस बार किसने पब्लिश किया है। और ये रिपोर्ट्स आपको पता चल गया तो प्रीलिम्स के एंगल से अगर डायरेक्ट सवाल आ गया तो ठीक है, मेंस के एंगल से भी यूनेप के या आईपीसीसी के कुछ रिपोर्ट्स को कोट करके आप ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं अगर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कोई सवाल आता है। अब ओशन डीऑक्सीजनेशन क्या होता है कि अगर ओशंस में ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन कम होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ओशन डीऑक्सीजनेशन। अब आईयूसीएन ने इस पर्टिकुलर फेनोमेनन को कोट किया है, तो डेफिनेटली एक यूपीएससी प्रीलिम्स में यह भी पूछ सकता है कि ओशन डीऑक्सीजनेशन क्या होता है, तो डेफिनेटली आपको पता है। और एक रिपोर्ट आई है ओशन डीऑक्सीजनेशन से रिलेटेड, वो किसने पब्लिश किया है, तो वो आईयूसीएन ने पब्लिश किया है। तो प्रीलिम्स के एंगल से ही इतना ही इंपॉर्टेंट है कि आईयूसीएन ने इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को पब्लिश किया है। अब ओशन डीऑक्सीजनेशन के बारे में और आईयूसीएन के बारे में थोड़ा डिटेल में देख सकते हैं। ओशन डीऑक्सीजनेशन थोड़ा मेंस के एंगल से इंपॉर्टेंट होगा कि वो क्यों होता है, और आईयूसीएन के बारे में भी देख लेते हैं। तो पहले आईयूसीएन के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि आईयूसीएन एक रेड लिस्ट भी पब्लिश करता है और वो रेड लिस्ट में थ्रेटनेड स्पेसीज होते हैं, और थ्रेटनेड स्पेसीज तीन तरह के होते हैं टोटल, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड और वल्नरेबल। तो जो भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज इंडिया में पाए जाते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज, लाइक सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के बारे में आया था, घड़ियाल के बारे में आया था। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है, चूंकि सवाल आ चुका है तो इसलिए मैं बोल रहा था, घड़ियाल क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वो चंबल रिवर में पाया जाता है, तो घड़ियाल के बारे में यूपीएससी ने इसलिए पूछा था क्योंकि वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है। तो आईयूसीएन एक एनजीओ है, 1948 में फॉर्म किया गया था ये, और इसका मेन जो मैंडेट है डेट इज टू कंजर्व द नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये आईयूसीएन रेड लिस्ट पब्लिश करता है और इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। और इसके अलावा देख लेते हैं ओशन डीऑक्सीजनेशन से रिलेटेड कि अगर ओशन का अगर कंसेंट्रेशन ओशन में अगर कंसेंट्रेशन ऑक्सीजन का कम होता है, डैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ओशन डीऑक्सीजनेशन। तो अब ये क्यों होता है, और एक ऑलरेडी मेंस में सवाल आ चुका है डैट वाज रिगार्डिंग डेड जोन्स, ये डेड जोन्स क्या होते हैं। तो डेड जोन्स वही एरिया होते हैं जहां पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होता है ओशंस में, और उस बार यूपीएससी ने 2018 के मेंस में पूछा था, वो इसलिए पूछा था क्योंकि बे ऑफ बंगाल में काफी बड़ा डेड जोन क्रिएट हुआ था, वो काफी ज्यादा न्यूज में था, इसलिए यूपीएससी ने पूछा था कि डेड जोन्स क्या होते हैं और उससे उसका इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है। तो डेड जोन्स बनते ही क्यों है, डेड जोन्स ओशन डीऑक्सीजनेशन के चलते बनते हैं, वहाँ ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हो जाता है। मेन दो रीजन्स रिस्पॉन्सिबल होता है, पहला जो रीजन जो रिस्पॉन्सिबल होता है डैट इज क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से होता क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग होती है, टेम्परेचर बढ़ता है, ओशन का भी टेम्परेचर बढ़ता है। तो अगर वाटर का टेम्परेचर बढ़ता है तो वो गैसेस को कम होल्ड कर पाते हैं, तो वैसे ही अगर ओशन का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ओशंस में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है तो वो उनका कंसंट्रेशन कम होने लगेगा, वो ऑक्सीजन ओशन से निकल के वो एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे, तो उसके चलते क्या होगा कि ओशंस में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होने लगेगा क्लाइमेट चेंज की वजह से। और जो दूसरा रीजन है डैट इज यूट्रोफिकेशन। अब यूट्रोफिकेशन में क्या होता है
कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स के चलते वहां पे एल्गल ब्लूम होने लगता है, एल्गल ब्लूम के चलते क्या होगा, कुछ कुछ एल्गी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो वो मरने लगते हैं, उनके मरने के चलते उनको लेट से डिग्रेड करने के लिए काफी सारे बैक्टीरिया सब क्या करेंगे कि ऑक्सीजन को यूज करने लगेंगे, जिसके चलते क्या होगा कि ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन काफी ज्यादा कम होने लगेगा, तो उसके चलते भी डेड जोन क्रिएट होने लगता है ओशंस में। तो मेजर टू रीजंस रेस्पॉन्सिबल है ओशंस में ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन कम होने के लिए, वन इज द क्लाइमेट चेंज एंड सेकेंड इज द न्यूट्रिएंट पॉल्यूशन, और यू कैन से यूट्रोफिकेशन, और यू कैन ऑल्सो से एल्गल ब्लूम। तो इसके चलते क्या होता है, अगर ओशंस में ऑक्सीजन का टेम्परेचर कम होता है तो काफी ज्यादा जो बायोडाइवर्सिटी है वो डिग्रेड होने लगती है, वो मरने लगती है, और उसके चलते काफी ज्यादा इंड्यूस्ड माइग्रेशन भी होता है बायोडाइवर्सिटी का, एक एरिया से कुछ स्पीसीज दूसरे एरिया में जाएंगे और दूसरे एरिया में वो इन्वेसिव स्पीसीज होंगे और वहां पे भी कंपटीशन चालू हो जाएगा, तो टोटल इम्पैक्ट है बायोडाइवर्सिटी पे, काफी मरने लगेंगी, काफी ज्यादा इंड्यूस्ड माइग्रेशन होगा, कुछ इतना ज्यादा माइग्रेशन होगा कि कुछ एरियाज पे नई इन्वेसिव स्पीसीज इंटर करने लगेंगी, तो पूरा का पूरा एंगल बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है इन द ओशंस। तो आप मेंस के आंसर में आप लिख सकते थे जो डेड जोन से रिलेटेड सवाल आया था, अगर आपको डिटेल में पता होता। और इस पर्टिकुलर कंडीशन को हाइपोक्सिया भी कहते हैं, तो डेड जोन्स भी कर सकते हैं उसको, हाइपोक्सिया भी कर सकते हैं, ओशन डीऑक्सीजनेशन भी कर सकते हैं। तो आपको पता चल गया कि ओशन डीऑक्सीजनेशन क्या होता है, क्यों होता है, उसका इंपैक्ट क्या होता है। ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट थी ऑक्सीजन डीऑक्सीजन ओशन डीऑक्सीजनेशन की, ये आईयूसीएन ने पब्लिश की थी, और आईयूसीएन के बारे में भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बता दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि वो रेड लिस्ट पब्लिश करता है थ्रेटनेड स्पीसीज की। और उसके अलावा जो पांचवी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, दैट इज क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये रिसेंटली जो COP25 हुआ था, COP2 द UNFCCC जो मैड्रिड में हुआ था, वहीं पे ये रिपोर्ट पब्लिश की गई थी। तो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि ये जो पब्लिश करता है, ये जर्मन वॉच नाम का ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है, तीन ऑर्गेनाइजेशन इंपैक्ट, डेट इज जर्मन वॉच, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, और ये एनुअली पब्लिश होता है, तो इनके द्वारा पब्लिश किया जाता है। और इसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि टोटल 57 कंट्रीज और EU है, और इसमें पहला तीन जो स्पॉट है वो खाली है, उनमें किसी भी कंट्री को नहीं रखा गया है, क्योंकि किसी भी कंट्री का उतना अच्छा इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस नहीं था। चौथे रैंक पे जो कंट्री है, डैट इज वो स्कैंडिनेवियन कंट्री होगा, स्वीडन है चौथे पोजीशन पे, इंडिया का जो पोजीशन है वो 9th पोजीशन है। और इसमें जो इंडिकेटर्स हैं, डैट इज GHG इमिशंस, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी यूज और क्लाइमेट पॉलिसी। तो एक बार फिर से मैं इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के बारे में इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बता देता हूँ, ये जर्मन वॉच और ये दो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये चार इंडिकेटर हैं, याद रह गया तो ठीक है, एक बार देख लीजिए तो आपको बस हाँ याद आ सकता है कि हाँ ये सब इंडिकेटर्स थे। इंडिया का रैंक 9th है और पहला जो तीन स्पॉट है वो खाली है, किसी भी कंट्री को नहीं दिया गया है, क्योंकि किसी भी कंट्री का उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था। नाउ कमिंग टू द 6th टॉपिक, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंटल माइग्रेशन। और ये इन्वायरमेंटल माइग्रेशन साफ साफ बताऊं तो कुछ भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब चूंकि यहाँ पे दिया गया तो मैं कवर कर देता हूँ। इन्वायरमेंटल माइग्रेशन का मतलब है कि अगर कोई क्लाइमेट चेंज नाम का कोई इवेंट होता है, लेट्स से मे बी ड्रॉट की इंटेंसिटी बढ़ सकती है, फ्लड की इंटेंसिटी बढ़ सकती है, तो उसके चलते जो माइग्रेशन होता है डैट इज इन्वायरमेंटल माइग्रेशन। अब इंडिया में जो इन्वायरमेंटल माइग्रेशन होता है मेनली बिकॉज ऑफ फ्लड्स, ड्रॉट्स, साइक्लोन्स की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, तो लोग बाग एग्रीकल्चर को छोड़ करके शहर में माइग्रेट होने लगते हैं, तो मेजर वही एक सिनेरियो है इन्वायरमेंटल माइग्रेशन का इंडिया में अभी तक। तो इन्वायरमेंटल माइग्रेशन का कंसेप्ट क्या, बस आपको ये पता होना चाहिए, और कुछ भी ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं है यहाँ पे। और इन्वायरमेंटल माइग्रेंट से रिलेटेड न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन फॉर रिफ्यूजीज में कवर किया गया है, ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन सेफ ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन पे भी कवर किया गया है। बस आप नाम सुन लीजिए, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये करंट अफेयर्स का आइटम विद रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंटल माइग्रेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, चूंकि विजन ने कवर कर दिया है तो बस हाँ मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ, डिटेल में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है इसको। और फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, अब डिटेल में देखने का मतलब नहीं है क्योंकि इंपॉर्टेंट है ही नहीं इम्पैक्ट। अब बस के लिए ये देख लीजिए कि UN रिफ्यूजी कन्वेंशन जो है ये रिफ्यूजी से रिलेटेड है, इसमें इन्वायरमेंटल रिफ्यूजीज को डिफाइन नहीं किया गया है और इंडिया इसका मेंबर नहीं है, UN रिफ्यूजी कन्वेंशन का इंडिया मेंबर नहीं है। वो आप अगर सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो पास हुआ था, अगर उसको डिटेल में आप पढ़े होंगे तो आपको इतना पता होना चाहिए कि UN रिफ्यूजी कन्वेंशन का इंडिया मेंबर नहीं है। अगर मेंबर होता तो शायद सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इंडिया पास भी नहीं कर पाता, या फिर इस पर्टिकुलर कन्वेंशन को बैकआउट करके ही पास कर पाता। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कार्बन प्राइसिंग। अब कार्बन प्राइसिंग क्या होता है ये कंसेप्ट पता होना चाहिए आपको। तो कुछ भी फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट
जिसका मेन टारगेट होगा कार्बन इमिशंस को कम करना, तो उसको कार्बन प्राइसिंग कहते हैं। ये मेजर दो तरह के होते हैं, एक होता है इमिशन ट्रेडिंग सिस्टम और दूसरा होता है कार्बन टैक्स। वन इज इमिशन ट्रेडिंग सिस्टम एंड सेकेंड इज कार्बन टैक्स। अब ये दोनों क्या क्या होता है बस ये पता होना चाहिए, तो बस ये डिटेल में कवर हो जाएगा। ये भी कुछ कैसा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिलेटेड नहीं है, इसमें भी आपका स्टैटिक ही कवर हो रहा है। इमिशन ट्रेडिंग सिस्टम होता है कि लेट से हर कंट्री का कुछ ना कुछ टारगेट है कि आप इतने से ज्यादा इमिट नहीं कर सकते हैं। लेट से कोई कंट्री अगर ज्यादा इमिट करता है बियॉन्ड द टारगेट, और लेट से कोई कंट्री टारगेट से कम इमिट कर रहा है ग्रीन हाउस गैसेस को, तो क्या हो सकता है कि जो कम कर रहा है वो इमिशन ट्रेड कर सकता है। लेट से फॉर एग्जांपल टोटल टारगेट है कि आप 1000 किलोग्राम्स ऑफ CO2 को ही इमिट कर सकते हो, मैं एक एग्जांपल के तौर पे एक टारगेट ले रहा हूँ। तो अब क्या है कि एक कंट्री है लेट से वो 1100 किलोग्राम्स ऑफ CO2 इमिट कर देता है इंस्टेड ऑफ 1000 किलोग्राम्स, और एक कंट्री है 900 किलोग्राम से इमिट कर रहा है। तो अब क्या होगा कि 100 किलोग्राम्स का जो टारगेट है एक कंट्री ने एक्सीड किया, दूसरे कंट्री ने उतना कम प्रोड्यूस किया है। तो अब क्या हो सकता है कि जो सेकंड कंट्री है जो 900 किलोग्राम से इमिट किया है वो 100 किलोग्राम्स खरीद सकता है फ्रॉम दैट कंट्री जो ज्यादा इमिट किया है, और जो ज्यादा इमिट किया है वो पैसे देगा उस कंट्री को जो कम इमिट किया है। तो उसके चलते क्या हो रहा है कि नेट दोनों कंट्री अपना 1000 किलोग्राम्स का टारगेट अचीव भी कर लिए आफ्टर दैट इमिशन ट्रेडिंग, और ओवरऑल टारगेट मीट हुआ। और जो कंट्री अगर ज्यादा इमिट कर रहा है तो उसके लिए एक लेट से नेगेटिव फ्रेमवर्क होगा कि लेट से अगर आप टारगेट से ज्यादा प्रोड्यूस कर देते हैं तो आपको वापस खरीदना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि लेट से 1000 किलोग्राम्स किसी को इमिट करना था और एक ने 1100 कर दिया, एक ने 900 किया, तो जिसने 100 ज्यादा कर दिया है वो क्या करेगा, 100 किलोग्राम का पैसा 900 किलोग्राम प्रोड्यूस करने वाले को दे देगा। तो जिसके चलते क्या होगा, दोनों टोटल इमिशंस 1000 किलोग्राम सिरा, एक ने एक्सीड किया तो दूसरे ने कम किया, तो हुआ क्या कि ओवरऑल दोनों मिला के टारगेट अचीव कर लिए, इंडिविजुअली नहीं लिए लेकिन ओवरऑल टारगेट अचीव हो गया है। तो ये इमिशन ट्रेडिंग सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, ये भी कार्बन प्राइसिंग के तहत आता है। और कार्बन टैक्स क्या होता है कि एक कंट्री एक टैक्स ही लगा देती है कि आप अगर CO2 इमिशंस इमिट करोगे तो डेफिनेटली आपको एक टैक्स पे करना होगा, वो एक सर्टेन टैक्स कंट्री डिसाइड करेगी। अब इंडिया की अगर बात करें तो कार्बन टैक्स इंडिया लगाता है, कोल प्रोडक्शन पे इंडिया कोल सेस लगाता है, दैट इज फॉर्म ऑफ कार्बन टैक्स। तो दैट इज मोर देन इनफ। अब इससे ज्यादा कार्बन प्राइसिंग के बारे में आपको अगर कंसेप्ट पता है इमिशन ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में और कार्बन टैक्स के बारे में, दैट इज मोर देन इनफ। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बस ये पता होना चाहिए कि गुजरात लॉन्च्ड द इंडियाज फर्स्ट इमिशन ट्रेडिंग सिस्टम इन सूरत। ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि गुजरात ने पहला ऐसा स्टेट है जिसने इमिशन ट्रेडिंग सिस्टम को लॉन्च किया है। नाउ कमिंग टू कन्वेंशंस एंड अदर इनिशिएटिव्स, तो सबसे पहले COP25 के बारे में देख लेते हैं। तो ये दिस वॉज COP25 टू UNFCCC। अब UNFCCC, CBD, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, ये अर्थ समिट 1992 से इमर्ज हुआ था, और ये COP22 है UNFCCC का। ये ऑरिजिनली चिली में होने वाला था लेकिन चिली में काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे राइट्स हो रहे थे तो सिचुएशन सही नहीं थी, तो फाइनली फिर स्पेन ने इसको होस्ट किया मैड्रिड में। और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंडा COP25 का था रिगार्डिंग कार्बन मार्केट ट्रेडिंग, और फाइनली वो एजेंडा सक्सेसफुल नहीं हो पाया, कोई भी फाइनल आउटकम सक्सेसफुल आउटकम नहीं निकल पाया। अब COP25 इस बार का इतना इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि जो पेरिस क्लाइमेट डील 2015 में साइन हुई थी वो फोर्स में आने वाली थी 2020 में, तो कार्बन मार्केट से रिलेटेड फाइनलाइज हो जाना था COP25 में, तभी 2020 से पेरिस क्लाइमेट डील सही से इंप्लीमेंट हो पाती, लेकिन फाइनल आउटकम आ नहीं पाया आउट ऑफ COP25 मैड्रिड। तो जो मेन एजेंडा था वो कार्बन मार्केट से रिलेटेड था। कार्बन मार्केट का जो एजेंडा है वो पेरिस क्लाइमेट डील के आर्टिकल 6 से रिलेटेड है। ये इंपॉर्टेंट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि UPSC का डायरेक्ट एक सवाल ही हो सकता है कि आर्टिकल 6 पेरिस क्लाइमेट डील का किससे रिलेटेड है, तो वो कार्बन मार्केट से रिलेटेड है। वो UPSC इसलिए पूछ सकता है क्योंकि COP25 का मेन एजेंडा ही कार्बन मार्केट से रिलेटेड डीलिंग करना था और वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। उसके बाद लॉस एंड डैमेज जो एग्रीमेंट है उससे भी रिलेटेड फर्दर आगे बात करनी थी। लॉस एंड डैमेज एग्रीमेंट के तहत क्या होता है कि ये भी पेरिस एग्रीमेंट का ही पार्ट है। इसमें जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो डेवलपिंग कंट्रीज को कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देंगी, टेक्नोलॉजिकल इंसेंटिव्स देंगी कि
डेवलप्ड कंट्रीज अपनी हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा पाए, क्योंकि मेन जो यहाँ पे कंसेप्ट है वो ये है कि डेवलप्ड कंट्रीज ने काफी ज्यादा CO2 इमिशंस किए हैं और परिणाम जो ज्यादा भुगतना पड़ रहा है वो डेवलपिंग कंट्रीज को भुगतना पड़ रहा है। तो लॉस एंड डैमेज मैकेनिज्म के तहत डेवलप्ड कंट्रीज फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देंगी डेवलपिंग कंट्रीज को, तो फाइनल आउटकम यहाँ पे भी नहीं निकल पाया है। और एक इम्पॉर्टेंट एक फंड है ग्रीन क्लाइमेट फंड, वो $100 बिलियन का है, तो उसके डेफिनेशन पे अभी प्रॉब्लम है कि ग्रीन क्लाइमेट फंड के तहत कौन कौन से प्रोजेक्ट्स कवर होंगे, उसका भी फाइनल आउटकम अभी तक नहीं निकल पाया है। और ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि 2020 से पेरिस क्लाइमेट डील इन फोर्स आएगी और यूनाइटेड नेशंस इस पर्टिकुलर डील से आउट है। और पेरिस क्लाइमेट डील से जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि इंडिया का 3 INDCs क्या है, वो मैं पहले वाले करंट अफेयर्स का आइटम जो यूनेप के इमिशन गैप रिपोर्ट में था उसी में मैंने कवर कर दिया है। और जेंडर एक्शन प्लान भी है, डिसीजन वाज मेड ऑन न्यू 5 ईयर्स जेंडर एक्शन प्लान। अब बस आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ जेंडर एक्शन प्लान भी डिस्कस किया गया था और पेरिस क्लाइमेट डील के तहत जेंडर एक्शन प्लान भी डिस्कस किया जा रहा है, बस आपको बस इतना पता होना चाहिए। इसके अलावा कुछ यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। लॉस एंड डैमेज मैकेनिज्म के बारे में देख सकते हैं, अंडर LND रिच कंट्रीज हु हैव हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्लाइमेट चेंज आर आस्क्ड टू बी लायबल टू द डेवलपिंग कंट्रीज हु आर ऑलरेडी फेसिंग क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स। उसके अलावा वारसो इंटरनेशनल मैकेनिज्म देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई मतलब नहीं है, एक बार आप गो थ्रू कर सकते हैं लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पे नहीं है। पेरिस एग्रीमेंट, ये COP 21 था, ये COP 21 आपको याद होना चाहिए कि ये पेरिस एग्रीमेंट था 2015 का। उसके अलावा COP 22, COP 23 में कुछ इंपॉर्टेंट, इवन COP 24 में कुछ इंपॉर्टेंट आउटकम नहीं था। बस आपको एक ये पता होना चाहिए कि COP 23 ये बोन में हुआ था लेकिन चेयर किया था फिजी ने, बस ये दर्शाने के लिए किया गया था कि फिजी एक आइलैंड कंट्री है, वो हाल में कुछ टाइम में ये डूबने वाला है 50 से 60 साल में, और ये बोन जो है वो जर्मनी में है। तो ये जो पर्टिकुलर कॉप ये दर्शाने के लिए था कि फिजी होस्ट नहीं कर पा रहा है, वो बोन में होस्ट इसलिए कर रहा है कि अभी तो चलो होस्ट कर देगा लेकिन 50-60 साल के बाद ये होस्ट करने के लायक नहीं रहेगा ये कंट्री। तो बस ये दर्शाने के लिए था कि कुछ आइलैंड कंट्रीज कुछ आने वाले 50-100 साल में डूबने वाले हैं, इस चीज़ को दर्शाने के लिए फिजी ने चेयर किया था लेकिन होस्ट नहीं किया था, होस्ट फाइनली बोन ने किया था। आप UNFCCC के बारे में देख सकते हैं, ये 1992 के अर्थ समिट से इमर्ज हुआ था रियो कन्वेंशन के तहत, और फोर्स में ये 1994 में आया था। इसी के तहत सबसे पहले क्योटो प्रोटोकॉल साइन हुआ था जो 1997 में साइन किया गया था लेकिन फोर्स में 2002 में आया था। तो 2002 से 2012 तक फर्स्ट डिकेड था क्योटो प्रोटोकॉल के तहत, और उस डिकेड में भी काफ़ी कंट्रीज USA, कनाडा आउट ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल थे। क्योटो प्रोटोकॉल में डेवलप्ड कंट्रीज ही कवर्ड थे, डेवलपिंग कंट्रीज कवर्ड नहीं थे, इंडिया भी कवर्ड नहीं था। जो सेकेंड फेज था क्योटो प्रोटोकॉल का वो 2012 टू 2020 तक था, पर वो फोर्स में कभी नहीं आ पाया। और 2020 से, क्योंकि 2020 में क्योटो प्रोटोकॉल का सेकेंड फेज खत्म होता, तो 2020 से फिर पेरिस क्लाइमेट डील फोर्स में आएगा। तो पेरिस क्लाइमेट डील का जो मेन टारगेट है कि ग्लोबल टेम्परेचर को मैक्सिमम 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाना है अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स, और उसके तहत काफ़ी सारी कंट्रीज ने अपने INDCs रखे हैं। इंडिया ने क्या INDCs रखे हैं वो मैंने आपको बता दिया है। और उसके अलावा कुछ यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। कार्बन मार्केट जो है, ये क्योटो प्रोटोकॉल के तहत भी कार्बन मार्केट्स थे, तो अब उसी को फर्दर कंटिन्यू करना है, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल में केवल डेवलप्ड कंट्रीज थे, अब पेरिस क्लाइमेट डील में डेवलप्ड कंट्रीज भी हैं, डेवलपिंग कंट्रीज भी हैं, दोनों के लिए कुछ ना कुछ टारगेट्स हैं। तो कार्बन मार्केट्स पहले डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में होता था, तो वो डेवलपिंग कंट्रीज को भी कैसे इंक्लूड करना है ये COP 25 में डिसाइड करना था जो मैड्रिड में हुआ था, तो फाइनली कुछ आउटकम नहीं निकल पाया। अब इस बार का जो कॉप होगा 2020 में ग्लासगांव स्कॉटलैंड में, तो वहाँ पे देखते हैं कि फाइनल आउटकम निकल पाता है कि नहीं निकल पाता है। अगर नहीं निकल पाए तो 2020 से पेरिस क्लाइमेट डील सही से इंप्लीमेंट भी नहीं हो पाएगी, और पेरिस एग्रीमेंट का Article 6 कार्बन मार्केट से ही रिलेटेड है, तो बस आपको बस ये पता होना चाहिए। और उसके अलावा कुछ यहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, और नॉन मार्केट अप्रोच भी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। बस हाँ, अब ये देख लेते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो सबसे पहले वियना कन्वेंशन आया था, उसी के तहत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था, ये जो ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस है उनको फेज आउट करने से रिलेटेड था।
और ओजोन डिप्लीशन से रिलेटेड आपको स्टैटिक में कवर कर लेना है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। और किगाली एग्रीमेंट, किगाली अमेंडमेंट जो हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, वो भी आपको पता होना चाहिए। हुआ क्या था कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं उनको फेज आउट करना था, तो उनको फेज आउट करने के लिए एचएफसीज को इंक्लूड किया गया था, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स ओजोन डिप्लीटिंग नहीं है, लेकिन वो ग्रीन हाउस गैस है। तो क्यों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ये डिस्कस हो रहा था कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत ही एचएफसीज को लाया गया था ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को फेज आउट करने के लिए, पर एचएफसीज ओजोन डिप्लीटिंग नहीं है लेकिन ग्रीन हाउस गैस है। अब वो ग्रीन हाउस गैस है तो उसको क्योटो प्रोटोकॉल के तहत कवर करें या फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत करें, क्योंकि फाइनली एचएफसीज को इंट्रोड्यूस भी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के चलते किया गया था। अब एचएफसीज इंट्रोड्यूस हुई हैं, वो एक ग्रीन हाउस गैस है, वो इंट्रोड्यूस हुई है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के चलते, लेकिन एचएफसीज ग्रीन हाउस गैस है और ग्रीन हाउस गैस को कवर करता है क्योटो प्रोटोकॉल। तो फाइनली एचएफसीज को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कवर किया जाए या फिर क्योटो प्रोटोकॉल में कवर किया जाए, ये डाउट हो रहा था। फाइनली इन्होंने डिसाइड किया कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत ही कवर करते हैं और एचएफसीज को भी फेज आउट करते हैं। तो फाइनली जो एग्रीमेंट आया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत, दैट इज कॉल्ड किगाली एग्रीमेंट। और किगाली एग्रीमेंट में टोटल कंट्रीज को 3 लेवल में बांटा गया, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, और तीनों को टारगेट्स दिए गए। लेवल 1 को सबसे ज़्यादा टारगेट दिए गए, लेवल 2 को थोड़ा इजी था, लेवल 3 के लिए सबसे इजी था, और इंडिया लेवल 3 कंट्री में रखा गया है। और उसके अलावा ये जो पर्टिकुलर आइटम न्यूज़ में था, बस ये देख लीजिए कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल न्यूज़ में क्या आया था, क्योंकि इंडिया अचीव्ड कंप्लीट फेज आउट ऑफ HCFC-141B। ये भी एक ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है, इसको इंडिया ने कंप्लीटली फेज आउट कर दिया है, इसलिए ये पर्टिकुलर न्यूज़ आइटम न्यूज़ में था। तो बस आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वियना कन्वेंशन, किगाली अमेंडमेंट के बारे में पता होना चाहिए, ओजोन डिप्लीशन का बेसिक एस्पेक्ट जो स्टैटिक है वो आपको कवर कर लेना है, और बस ये न्यूज़ में कि इंडिया ने कम्प्लीटली फेज आउट कर दिया है HCFC-141B को। उसके अलावा देख लेते हैं जो करंट अफेयर्स रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, तो डिटेल में नहीं देखना है, बस ये देख लेंगे कि कौन कौन सी रिपोर्ट है और कौन कौन पब्लिश करता है, या उसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या क्या है। तो जो सबसे पहला है, डेट इज रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज फाइनेंसिंग। तो एक ग्रीन क्लाइमेट फंड है, ये सेटअप किया गया था 2010 में, और ये 100 बिलियन डॉलर्स का है। यूपीएससी ने एक पूछा था कि ये 1000 बिलियन डॉलर्स का, तो वो स्टेटमेंट गलत था। एक ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है, ये फाइनेंसिंग मैकेनिज्म के तरह काम करता है सीबीडी के लिए, UNFCCC के लिए, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के लिए, मिनामटा कन्वेंशन ऑन मरकरी के लिए, और यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन के लिए। उसके अलावा यहाँ पे कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर उसके अलावा एक 1 ट्रिलियन ट्रीज इनिशिएटिव है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है, बस ये पता होना चाहिए कि हाँ ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है। इसके अलावा डिटेल में करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाद बाकी ऑर्गेनाइजर को भी डिटेल में करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा है कि आप कितने भी ऑर्गेनाइजेशन को डिटेल में कर लो, दो तीन जो स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन है उससे रिलेटेड यूपीएससी पूछेगा, दो तीन ऑर्गेनाइजेशन आप प्रीलिम्स में जाके डायरेक्टली देखेंगे, वो कितना भी पढ़ लो नहीं पता होगा, और जितना ज़्यादा पढ़ोगे तो वो हचपच ही मचेगा, फिर मतलब नहीं बनता है। अब जब क्योंकि दो तीन सवाल आप कितना भी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लो, वो अतहा ऑर्गेनाइजेशन होगा जो पहली बार ही देखना है यूपीएससी के प्रीलिम्स पेपर में, तो उसको अब करने का मतलब नहीं बनता है। उसके अलावा जीरो कार्बन लॉ न्यूजीलैंड ने पास किया था, बस ये फैक्ट बस आपको पता होना चाहिए। और ग्रीन डील यूरोपियन यूनियन ने पास किया है, ये भी रिलेटेड है रिगार्डिंग रिड्यूसिंग द इमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। तो यूरोपियन यूनियन ने ग्रीन डील को पास किया था, और ये जब COP25 हो रहा था तभी यूरोपियन यूनियन ने पास किया था, बस आपको पता होना चाहिए ग्रीन डील इज रिलेटेड टू यूरोपियन यूनियन। डैट सेट, यहीं पे जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है यहीं पे कंप्लीट होता है। और बस आपने जो मेरी वीडियो में मैंने जितने फैक्ट्स बताए हैं उतना ही आपने अगर कर लिया ना, तो क्लाइमेट चेंज में से ज़्यादा डिटेल में करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आई कैन गारंटी यू। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो मैं पॉल्यूशन या बायोडाइवर्सिटी पे कवर करूँगा। और दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।